सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बाबाज ऑनलाइन वर्ल्ड। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि टाटा स्काई HD सेटअप बॉक्स में कोई भी चैनल लॉक या अनलॉक कैसे करें। तो टाटा स्काई HD सेटअप बॉक्स का रिमोट कुछ इस तरीके का होता है। तो इसमें आपको कई सारी कीज देखने को मिल जाती हैं। इसमें आपको यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र नाम से एक की मिल जाएगी ब्लू कलर की, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा अपनी TV स्क्रीन पर। फिर आपको इसमें थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, पेरेंटल लॉक कंट्रोल। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो जो टाटा स्काई का बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो होता है 0000। तो वो आपको सिंपली एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट आपने कर दिया, फिर आप यहाँ पर तीन तरीके के ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें आपको थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि है चैनल लॉक आउट। इसमें क्लिक करने के बाद ये दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप एक मास्टर लॉक लगा सकते हैं, एक लॉक चैनल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉक चैनल कर देता हूँ। लॉक चैनल आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे चैनल अपीयर हो गए हैं। अगर आप इनमें से कोई सा भी चैनल लॉक करना चाहते हैं तो उसको लॉक करने के लिए इस पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से क्लिक करेंगे तो इसमें क्रॉस का सिंबल ऐसे आ जाएगा, इसका मतलब ये लॉक हो चुका है। मैं आपको सेट चैनल लॉक करके दिखाता हूँ। ये चैनल लॉक हो चुका है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे आप सेफ सेटिंग ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके लिए आपको ब्लू कलर का बटन पर क्लिक करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे है नीचे। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके चेंजेस जो आपने करे थे वो सेव हो चुके हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिखाता हूँ मैं आपको, एक चैनल लॉक हो चुका है। सेट का नंबर मेरे TV पे है इस समय 128। तो मैं यहाँ पे 128 दबाता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं ये चैनल लॉक हो चुका है और ये आपसे चैनल अनलॉक करने के लिए पिन मांग रहा है। अगर आपको चैनल अनलॉक करना है तो आप यहाँ पे पिन एंटर कर दीजिए जो कि है 0000। फिर आप यहाँ सबमिट कर दीजिए और ये देख सकते हैं आप, ये चैनल फिर से अनलॉक हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।